हेलो एवरीवन एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इथिलीन के बारे में। सो इथिलीन जो है बाकी फाइटो हार्मोन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट माना जाता है बिकॉज इसका मेनली नेचर जो होता है दैट इज़ गैस होता है, ठीक है। मतलब ये गैसियस फॉर्म में जो है पाया जाता है और इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो इट इज़ अ C2H4। ओके, तो ये इकलौता ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि जिसका नेचर गैसियस फॉर्म में होता है। बाकी सबका फॉर्म अलग था बट ये थोड़ा यूनिक है। एंड C2H4 हम इसे बोलते हैं इथिलीन, इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके पास डबल बॉन्ड है और ये स्वीट एंड मस्की ऑर्डर मेनली लाइक शो करता है। एंड इसके अलावा इसका एक अच्छा खासा रोल देखा जाता है फ्रूट के राइपनिंग में एंड सेनेसेंस करवाने में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेनली इसके दैट इज़ योर बायोसिंथेसिस की, तो इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल मिथियोनिन माना जाता है जो कि एक टाइप का अमाइनो एसिड है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन और मिथियोनिन के थ्रू ये सिंथेसाइज होता है। इसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन फ्रूट राइपनिंग में देखा जाता है। एंड मिथियोनिन आपको पता होगा लाइक ये एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है जो कि मेनली प्लास्टिड में सिंथेसाइज होता है फ्रॉम दी सिस्टीन। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो इट वॉज फाउंड इन 1910 दैट राइप द ऑरेंज प्रोड्यूस अ वॉलेटाइल सब्सटेंस दैट हैस्टन द राइपन ऑफ द अनराइप बनानास नियर बाय। तो देखा ये गया था कि कुछ ऑरेंजेस रखे गए थे और उसके बगल में ही एक अनराइपन यानी कच्चे बनाना रखे गए थे। एंड आफ्टर सम टाइम वहाँ पे देखा ये गया कि शायद किसी कंपोनेंट के डिफ्यूज़ होने की वजह से जो साइड में अनराइपन बनानास थे वो भी क्या हो गए, दैट इज़ राइपन हो गए। और वहीं से फिर चीज़ों को डिस्कवर करना शुरू किया गया। फिर गैस क्रोमैटोग्राफी की हेल्प से आर गेन ने फॉर्म दैट दी राइपनिंग कॉजिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस वॉज दी इथिलीन। फिर आर गेन ने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि बनाना के बगल में जो अनराइपन सॉरी ऑरेंज के बगल में जो अनराइपन बनानास थे एक्चुअल में उसको राइपन करने के लिए ऑरेंज से कुछ सब्सटेंस रिलीज हुआ था और इस सब एक वॉलेटाइल सब्सटेंस था इसलिए वो डिफ्यूज आराम से हो पाया और इसको नाम दिया गया दैट इज इथिलीन। इथिलीन वॉज रिकॉग्नाइज एज अ प्लांट हार्मोन बाई दी क्रॉकर। तो स्टार्टिंग में सिर्फ वो एक सब्सटेंस था जिसका नाम इथिलीन दिया गया, ये आर गेन ने कहा था, लेकिन ये एक फाइटो हार्मोन है यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। इसको लाइक फाइटो हार्मोन रिगार्ड किसने दिया, दैट इज क्रॉकर ने, दैट इज इन 1935। अगर बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इसका बायोसिंथेसिस बाकी सबसे थोड़ा सा यूनिक है बिकॉज मिथियोनिन जो है यहाँ पे एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है। सो मिथियोनिन ATP की प्रेजेंस में एडोमेट सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से इट कन्वर्टेड इनटू द एस एडिनोसाइल मिथियोनिन जिसे हम बोलते हैं सैम या एस एडोमेट कहते हैं। एस एडोमेट जो है ACC सिंथेज एंजाइम की हेल्प से इट विल कन्वर्ट इनटू ACC दैट इज वन अमाइनो साइक्लो प्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ साथ में ये एक और प्रोडक्ट यहाँ रिलीज करता है जिसका नाम है 5-methylthioadenosine। ये जो ACC है फिर ये क्या करता है, दैट इज O2 का इस्तेमाल करके ACC ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से खुद को इथिलीन में कन्वर्ट कर लेता है। और यहाँ से जो एस मिथाइल थायो एडिनोसिन बना था यहाँ से अगर हम चाहें कि ये साइकिल बैक मुड़ जाए टूवर्ड्स दी मिथियोनिन तो ये दैट इज बैक हो सकता है टूवर्ड्स दी मिथियोनिन और इस पर्टिकुलर पाथवे को हम कहते हैं यांग साइकिल। तो अगर ये प्रोडक्ट वापस से मिथियोनिन में कन्वर्ट होता है तो ये यांग साइकिल के थ्रू कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे चले आते हैं कुछ इनहिबिटर्स की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इथिलीन के बायोसिंथेसिस को रोक सकती हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है AOA एंड AVG, यहाँ पे मैंने आपके सामने फुल फॉर्म लेकर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन दैट इज़ AVG एंड अमाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड दैट इज़ AOA, ये ब्लॉक करते हैं कन्वर्जन ऑफ एडोमेट टू ACC। तो एडोमेट से ACC नहीं बनने देते यानी इस प्रोसेस को ब्लॉक करने का काम कौन करता है, दैट इज AOA एंड AVG। इसके अलावा CO2 एंड अराबियोसिस मतलब कि आप कह सकते हो दैट इज द ऑक्सीजन का एब्सेंस और अगर टेम्परेचर का दैट इज अमाउंट मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस है तो देखा ये जाता है कि ACC ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब चाहे ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हो या सिंथेज एंजाइम इनहिबिट हो दोनों ही केस में क्या होगा, इथिलीन का सिंथेसिस नहीं देखा जाएगा। सो दे आर रिगार्डेड एज अ इथिलीन इनहिबिटर्स। नेक्स्ट बात चली आती है इथिलीन के सिग्नलिंग की। तो इथिलीन के सिग्नलिंग के लिए वही बेसिक सी रिक्वायरमेंट कि क्या लिगेंड होगा,
कौन सा रिसेप्टर होगा और सिग्नलिंग पाथवे क्या होगा। तो रिसेप्टर यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, नाम है इसका ETR1। लेकिन सिर्फ एक ही रिसेप्टर नहीं पाए गए हैं, लाइक एक से ज़्यादा रिसेप्टर यहाँ पे देखे गए हैं। लिगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का नाम है इथिलीन। जो सिग्नलिंग पाथवे फॉलो करता है वो होता है लगभग बैक्टीरियल टू कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम को, लाइक बैक्टीरिया के ही सिस्टम को ये फॉलो नहीं करता है, बैक्टीरिया के जैसा डिराइव किया है इसने एक टू कंपोनेंट सिस्टम, उसको ये फॉलो करता है। इसके अलावा जो रिसेप्टर है दैट इज यहाँ पे, वो रिसेप्टर कॉपर बेस्ड रिसेप्टर है, यानी उसको कॉपर आयन की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो रिसेप्टर इज़ अ कॉपर आयन बेस्ड रिसेप्टर विच यूज टू डू प्रॉपर फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉपर, एंड RAN1 इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ कॉपर आयन। तो एक तो ये रिसेप्टर कॉपर बेस्ड है यानी कॉपर की प्रेजेंस में काम करेगा, दूसरा ये कि इस कॉपर को लेकर कौन आ रहा है, तो RAN1 नाम का ट्रांसपोर्टर कॉपर को लेकर आ रहा है। लोकेशन की अगर हम बात करें रिसेप्टर की, तो ER पे प्रेजेंट रहता है। मेनली इसका जो रिसीवर पोर्शन होता है वो ER के ल्यूमेन में देखा जाता है। रेगुलेटरी जो लाइक रेगुलेटर जो होते हैं पाथवे के, यानी पाथवे को ऑन ऑफ करवाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनका नाम है ETR1, ARF1, CTR1, EIN2 एंड EIN3। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअल में रेगुलेटर्स कहलाते हैं पाथवे के। रिसेप्टर जो है नेगेटिव रेगुलेटर है, क्योंकि ये पहला ऐसा रिसेप्टर है जिससे कि अगर इसका लिगेंड बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाता है। अभी तक आपने देखा कि किसी भी पाथवे में अगर लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है, ये एक ऐसा रिसेप्टर है जिससे कि अगर इसका लिगेंड बाइंड करता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। रिस्पॉन्स टू द इथिलीन एंड अरबिडोप्सिस आर मेडिएटेड बाई द फैमिली ऑफ अ 5 रिसेप्टर। जैसे मैंने कहा एक रिसेप्टर अभी तक, मतलब सिर्फ एक ही नहीं देखा गया, देर आर सो मैनी, जिसमें से 5 को इनलिस्ट किया गया है, दैट इज ETR1, ETR2, EIN4, ERS1 एंड ERS2। ये 5 टाइप के रिसेप्टर हैं जो कि अभी तक लाइक यू नो एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं फॉर द इथिलीन इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे। ओके, सो दिस इज़ अ टोटल लाइक टू कंपोनेंट सिस्टम। मैंने आपको ये साइटोकाइनिन के केस में भी बताया था, इसका नॉर्मल लाइक नॉर्मल टू कंपोनेंट सिस्टम चलता है, इसमें फॉस्फोर रिले नहीं चलता, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने खास तौर से मेंशन कर रखा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द साइटोकाइनिन सिग्नलिंग द इथिलीन सिग्नलिंग पाथवे डज नॉट इन्वॉल्व अ फॉस्फोर रिले सिस्टम। फॉस्फोर रिले सिस्टम का मतलब होता है एक जगह से फॉस्फेट को उठा के दूसरे जगह पे ऐड करवाते रहना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फॉस्फोरिले सिस्टम काम नहीं करता है। आप बोल सकते हो कि प्रोकैरियोट से डिराइव किया हुआ टू कंपोनेंट सिस्टम काम करता है, फॉस्फोरिले सिस्टम काम नहीं करता है। ओके, तो इथिलीन के सिग्नलिंग सेटर यहाँ पे बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताया मैंने कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि इसका नाम है CTR1, सो फुल फॉर्म के तौर पे हम इसे कंस्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1 कह सकते हैं। EIN2 मैंने बताया आपको कि रेगुलेटर की तरह काम करता है, जिससे हम इथिलीन इनसेंसिटिव 2 कह सकते हैं। CTR1 भी बताया एज अ रेगुलेटर, ये एक सॉलेबल सेरीन थियोनिन काइनेज माना जाता है, दैट इज ऑलवेज फिजिकली एसोसिएटेड विद द इथिलीन रिसेप्टर, और इसका हमेशा एसोसिएशन इथिलीन रिसेप्टर से देखा जाता है। EIN2 जो है ER का, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है विथ अ साइटोसोलिक सी टर्मिनल डोमेन दैट इज टारगेट फॉर दी CTR1 काइनेज एक्टिविटी। और देखने को ये मिलता है कि EIN2 का जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, एक्चुअल में वो साइटोप्लाज्मिक एरिया CTR1 काइनेज के थ्रू टारगेट किया जा सकता है। यानी अगर मैं EIN2 बनाती हूँ एंड दिस इज अ सी टर्मिनल, दिस इज अ एन टर्मिनल, तो सी टर्मिनल को कौन टारगेट कर सकता है, दैट इज CTR1। और ये मैंने किसका बनाया है, एन टू सी टर्मिनल, दैट इज EIN2 का। ओके, इसके अलावा EIN2 इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ द EIN3 फैमिली विच एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन। देर इज अ फैक्टर जिसका नाम है EIN3। EIN3 आगे चल के किसी और फैक्टर को भी एक्टिवेट कर सकता है, और वो फैक्टर इथिलीन के रिस्पॉन्स को बनाता है। लेकिन EIN3 तभी एक्टिव होता है जब EIN2 EIN3 के पास इसे अनलॉक करने के लिए पहुंचता है। देखने वाली बात यह है कि इथिलीन रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है, फंक्शन एज अ नेगेटिव रेगुलेटर दैट एक्टिवली रिप्रेस द हार्मोन रिस्पॉन्स इन एब्सेंस ऑफ द हार्मोन। तो ये एक रिसेप्टर ऐसा है कि अगर हार्मोन नहीं प्रेजेंट रहे, ठीक है, इथिलीन अगर प्रेजेंट ना रहे तो प्लांट में इथिलीन रिस्पॉन्स को रोक देता है, जैसे कि एक नॉर्मल रिसेप्टर करते हैं। लेकिन इसके रोकने का जो फॉर्म है, मतलब रिसेप्टर के रोकने का जो फॉर्म है, वो होता है उसका एक्टिव फॉर्म। जब मैं आपको पाथवे समझाऊंगी तब आपको
ओवरऑल चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी इन द एब्सेंस ऑफ इथिलीन व्हेन द रिसेप्टर आर टर्न्ड ऑन, क्योंकि जब इथिलीन नहीं है तब इसका रिसेप्टर एक्टिव रहता है, जब इथिलीन प्रेजेंट रहता है तो इसका रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। एंड एक्टिव सी टी आर वन इज दस ऑल्सो अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ अ इथिलीन रिस्पॉन्स पाथवे। और अगर सी टी आर वन जो कि एक सेरीन थ्यूनिन काइनेज है अगर ये भी एक्टिव रहता है तो ये भी नेगेटिव रेगुलेटर्स की तरह ही काम करता है फॉर द इथिलीन रिस्पॉन्स पाथवे। अब हम सिग्नलिंग के बारे में बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द इथिलीन। तो ये पर्टिकुलर सिग्नलिंग लाइक दो फेज में देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली एक फेज में जब इथिलीन प्रेजेंट है एज वेल एज एक फेज में दैट इज द इथिलीन एबसेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इथिलीन जब एबसेंट है तब क्या होता है, जब इथिलीन एबसेंट होता है तो इसके रिसेप्टर ये आपको देखने को मिल रहा है दैट इज ई टी आर वन। ई टी आर वन रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिव रहता है एंड हिस्टिडिन काइनेज डोमेन पे फॉस्फेट का एडिशन होता है एज वेल एज ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक्टिव रहता है। आप देख सकते हैं इसका सी टर्मिनल एरिया पे सी टी आर वन इससे कनेक्शन में है, और सी टी आर वन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सेरीन थ्रियोनिन काइनेज, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉस्फोराइलेशन सी टी आर वन भी यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और जैसे कि अभी आपको बताया गया सी टी आर वन का दैट इज़ ये जो एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट कौन होता है, ई आई एन टू जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये दैट इज़ ई आर के मेम्ब्रेन में ही बाउंड होके रखा है, दिस इज़ अ ई आर मेम्ब्रेन। तो इसका जो सी टर्मिनल एरिया होता है वो इसका एज लाइक एक टारगेट साइट की तरह काम करता है। तो सी टी आर वन एक्चुअल में फॉस्फोराइलेशन ऐड कर देता है सी टर्मिनल पे किसके ई आई एन टू के, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो सी टर्मिनल वाला एरिया होता है उसका डिग्रेडेशन या फिर आप कह सकते हो सी टर्मिनल का डिटैचमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। और डिटैचमेंट नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, ये माइग्रेट नहीं हो सकता है अब न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज ई आई एन टू का न्यूक्लियस के अंदर माइग्रेट होना ज़रूरी है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर ई आई एन टू ई आई एन थ्री को फ्री करवाता है। सो फॉस्फोराइलेशन ऑफ अ ई आई एन टू इनहिबिट द प्रोटोलिटिक क्लीवेज द सी टर्मिनल डोमेन डज नॉट माइग्रेट टू दी न्यूक्लियस। तो जब फॉस्फोराइलेशन हम लाइक जब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ऐड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सी टी आर वन तो उसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज इनहिबिट हो जाता है। अब इनहिबिशन की वजह से क्या होता है, इसका सी टर्मिनल डोमेन लाइक ये माइग्रेशन करके न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ पाता और ई आई एन थ्री यहाँ पे ब्लॉक ही रहता है। सो ई आई एन थ्री एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है विच आर यूबिक्यूटिनेटेड एंड डिग्रेडेड इन द न्यूक्लियस बाई द 26S प्रोटियोजोम, नो इथिलीन रिस्पॉन्स आर एक्टिवेटेड एंड एज बिकॉज ई आई एन थ्री एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है तो इसका बार बार डिग्रेडेशन हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कोई भी इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन का यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं होता है। तो ये हम बात कर रहे थे कि जब इथिलीन प्रेजेंट नहीं है तो रिसेप्टर एक्टिव रहता है, ठीक है, रिसेप्टर एक्टिव रहता है तो सी टी आर वन को एक्टिव कर देता है, सी टी आर वन फिर फॉस्फेट ऐड कर देता है सी टर्मिनल ऑफ ई आई एन टू। लेकिन सारा का सारा सिनारियो चेंज कब हो जाता है, जब इथिलीन प्रेजेंट होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ई टी आर वन सिग्नलिंग इज रिप्रेस्ड एंड सी टी आर वन इज इनएक्टिव एज बिकॉज यहाँ पे इथिलीन बाइंड कर लेता है तो ये पूरा का पूरा रिसेप्टर क्या हो जाता है, इनएक्टिव। अब रिसेप्टर इनएक्टिव हो गया तो उसके सी टर्मिनल एरिया से जो सी टी आर वन इंट्रैक्ट कर रहा था ये भी इनएक्टिव हो जाता है। इसके इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, इसके इनएक्टिवेशन की वजह से सी टर्मिनल एरिया पे फॉस्फेट ऐड नहीं हो पाता है। फॉस्फेट ऐड नहीं होता है तो वेरी ऑब्वियस अब इसके सी टर्मिनल एरिया का क्लीवेज आराम से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। सो द नॉन फॉस्फोराइलेटेड सी टर्मिनल ऑफ ई आई एन टू इज क्लीव्ड बाई अ प्रोटीएज एंड मूव इन टू द न्यूक्लियस, और जो सी टर्मिनल एरिया का जो यहाँ पे क्लीवेज हुआ है वो आराम से मूव करके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। इन द न्यूक्लियस द सी टर्मिनस ऑफ द ई आई एन टू इनहिबिट द ई आई एन थ्री यूबिक्विटिनेशन एंड टर्न ओवर बाई द 26S प्रोटियोजोम। अब आज बिकॉज ये सी टर्मिनल पोर्शन चला आया है न्यूक्लियस के अंदर तो अब ये ई आई एन थ्री को 26S प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन से फ्री कर लेता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ई आई एन थ्री नेक्स्ट प्रोसेस में एंटर करके इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन का प्रोडक्शन करवाता है, एक्सप्रेशन करवाता है, बिकॉज यहाँ पे ई आई एन थ्री ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा था। लेकिन इथिलीन ना होने की वजह से वेरी ऑब्वियस अगर इथिलीन नहीं होता है तो इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा मतलब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इनहिबिट रहना ज़रूरी है एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहिबिट करने के पीछे ये वाला प्रोसेस काम कर रहा था। लेकिन एज बिकॉज ई आई एन टू का जो सी टर्मिनल है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है ई आई एन थ्री का, तो वो
यान थ्री को 26S प्रोटियोजोमल पाथवे से फ्री करवा लेता है, और फ्री करवाने के बाद जो है इसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि सी टर्मिनस 26S प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन पाथवे को इनहिबिट कर देता है. सो यान थ्री इनिशिएट अ ट्रांसक्रिप्शनल कैस्केड बाई एक्टिवेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इथिलीन रिस्पॉन्सिव जीन इंक्लूडिंग द जीन इनकोडिंग द ERF1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लीडिंग टू द इथिलीन रेस्पॉन्स. तो EIN3 ERF1 नाम के फैक्टर का भी एक्टिवेशन कर सकता है, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हो दैट इज इथिलीन रेस्पॉन्सिव जीन का भी एक्सप्रेशन करवा सकता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि इथिलीन का रेस्पॉन्स कैसे होता है एंड सिग्नलिंग पाथवे कैसे मीडिएट होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि एक लौता ऐसा रिसेप्टर आप देख सकते हो जो कि अपने लिगेंड से बाइंड किया है और इनएक्टिव हो गया है, और जब लिगेंड प्रेजेंट नहीं था तब ये एक्टिव चल रहा था. कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से मैच करके पढ़ सकते हैं. ऑल्दो मैंने कोशिश की है कि आपको सारा का सारा बात भी आसानी से समझ में आ जाए. ओके, फ्रीजलिंग का एक बहुत ही फेमस रिस्पॉन्स है जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स इन द इट्योलेशन. यानी अगर किसी प्लांट को आप बहुत ज़्यादा डार्क कंडीशन में ग्रो कर रहे हो या फिर उस पर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस है, तो वो प्लांट या फिर वो सीडलिंग मेनली ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में देखा यह जाता है कि इथिलीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. दैट इज़ मेनली योर डार्क कंडीशन हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया, तो उस टाइम इथिलीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. तो अगर एक प्लांट ऐसा है जिसमें कि ये स्ट्रेस नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस प्लांट की हाइट कितनी है, यहाँ पे कोई इथिलीन नहीं है, तो दिस इज़ अ कंट्रोल जिसको कोई स्ट्रेस नहीं मिला. लेकिन दिस इज़ अ प्लांट या सीडलिंग जिसको कि स्ट्रेस मिला है, जिसकी वजह से ये इस प्लांट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लग रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यानी रिड्यूस्ड हाइपोकोटाइल है, स्वेल हो चुका है यानी थिकनेस गेन कर चुका है, राइट, थिकनेस गेन कर चुका है, तो हम इसे बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ द हाइपोकोटाइल, स्वेल हो गया है हाइपोकोटाइल. इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका, इसे हम बोलते हैं एपिकल हुक का फॉर्मेशन होना, या फिर इसे हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल भी. तो इस तरीके से ये तीन रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. इन तीनों रिस्पॉन्स के कारण हम कहते हैं दिस इज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स, और ट्रिपल रिस्पॉन्स इथिलीन के प्रोडक्शन की वजह से ही देखने को मिलता है. यहाँ पे मैंने कुछ और भी ऐसे वर्ड्स ऐड किए हैं जैसे कि रिड्यूस्ड हाइपोकोटाइल के लिए और क्या क्या वर्ड यूज़ होता है. इनहिबिशन ऑफ शूट यूज़ होता है, इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन वर्ड यूज़ होता है, शॉर्ट हाइपोकोटाइल वर्ड यूज़ किया जाता है, रिड्यूस्ड हाइपोकोटाइल वर्ड यूज़ किया जाता है. तो एक ही चीज़ के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ की, बहुत से लैंग्वेजेस यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली उन लोगों को दिक्कत ना हो जिनकी बॉटनी नहीं है. जैसे कि एपिकल हुक का फॉर्मेशन हमने कहा, इसको हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल भी कहते हैं, टाइटनिंग ऑफ एपिकल हुक भी कहा जाता है, कर्लिंग ऑफ एपिकल हुक भी कहा जाता है, एग्जैजरेशन ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है. तो ये सारे अलग अलग टर्म हैं. अब आपको एपिकल हुक की जगह एग्जैजरेशन ऑफ कर्वेचर बोल दिया तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है. तो ये सारे टर्म्स मैंने यहाँ मेंशन करके रखे हैं क्या क्या टर्म यूज़ किया जा सकता है दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स के सिम्टम्स को दिखाने के लिए. लेकिन यहाँ तीन रिस्पॉन्स है, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों रिस्पॉन्स ऐसे सीलिंग में देखने को मिल रहा है जिसमें कि इथिलीन का प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, बिकॉज वो एक मैकेनिकल स्ट्रेस से गुजर रहा है एज वेल एज आप कह सकते हो डार्क फेज से गुजर रहा है, ठीक है. ओके, अब चला आता है यहाँ पे फंक्शन इथिलीन का. सबसे पहले इथिलीन का मेन फंक्शन होता है एपिनेस्टिक बेंडिंग करवाना, यानी डाउनवर्ड बेंडिंग जो होती है लीफ की इस तरीके से, ठीक है, दिस इज वॉट कॉल्ड द एपिनेस्टिक बेंडिंग, फाइन, ये इथिलीन की वजह से ही होता है. ट्रिपल रिस्पॉन्स कराता है, अभी हमने देखा फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, सेनेसेंस प्रमोटिंग हार्मोन माना जाता है एंड लेटरल सेल का एक्सपेंशन करवाने में हेल्प करता है. तो ये कुछ मेन मेन फंक्शन थे रिगार्डिंग दी इथिलीन.